गाजियाबाद के थाना कवीनगर इलाके में डायमंड पैलेस के सामने सोमवार को दिन निकलते ही उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने वहां पर स्थित एक पेड़ पर एक युवक के शव को लटका हुआ देखा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीमा गुप्ता हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुकी हैं। सीमा, युवक का शव पेड़ पर लटका मिला, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, आज जैसे ही दिन चढ़ा और लोग अपनी नौकरियों पर निकले तो पाया कि गाजियाबाद के थाना कवीनगर के पास बने हुए डायमंड फ्लाईओवर के पास ही एक पेड़ पर 30 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका हुआ था। लोगों ने वहां की स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पोस्टमार्टम में पता चलेगा कि यह हत्या है या आत्महत्या। सीमा गुप्ता, जहां एक तरफ गाजियाबाद पुलिस बदमाशों के ऊपर कहर बनकर टूट रही है, वहीं आए दिन बड़ी बड़ी वारदातों को बदमाश अंजाम दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, पुलिस अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ बदमाशों पर अपना खौफ बनाए हुए है, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन गाजियाबाद में एक नई घटना देखने को मिलती है। इससे देखा जाए तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस की नाकामी सामने आती है। शुक्रिया सीमा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के, जहां पर डीजल के अवैध गोदाम में लगी भीषण आग और मौके पर पहुंची पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रिजवान अंसारी प्रतापगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। रिजवान, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए राणा साहब, हम आपको बताना चाहेंगे, ये उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ है, जहां नकली डीजल ऑयल और पेट्रोल बनाने का एक बड़ा गोदाम था, जहां पर भीषण आग लगी है और बम जैसा धमाका हुआ है। उस धमाके के बाद तमाम इलाके में दहशत का माहौल हो गया, चारों तरफ से चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी। पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस और फायर ब्रिगेड की जीपों की आवाज़ें भी चारों तरफ से गूंजने लगीं। नेशनल हाईवे रोड भी जाम कर दिया गया और रोड को डाइवर्ट कर दिया गया और आसपास के इलाके के हाथीबाग इलाके के जितने घर थे उन घरों को भी खाली कराया गया है, क्योंकि इतना बड़ा विस्फोटक हुआ था, धमाका हुआ था, जिसकी दहशत और चीख पुकार से इलाके में अफरा तफरी का मामला बन गया। रिजवान, नकली डीजल का काला कारोबार लंबे समय से प्रतापगढ़ में चल रहा है, क्या जिला प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है? किसकी देखरेख में ये काम चल रहा है? देखिए, जहां तक सवाल नकली डीजल ऑयल और नकली पेट्रोल बनाने का कारोबार पिछले 20 वर्षों से फल फूल रहा है, अब से 15 साल पहले भी ललित गुप्ता के इसी प्रयागराज नेशनल लखनऊ हाईवे रोड पर, जहां ये गोदाम है, वहां भी छापेमार कार्रवाई की गई थी, जहां सैकड़ों की तादाद में डीजल और पेट्रोल के ड्राम पुलिस ने पकड़े थे, उस टाइम भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। वहीं पुलिस ने अब इसके संचालक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश में लगी है, वहीं पुलिस अब इसकी जांच में लगी है। शुक्रिया रिजवान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में रुख करते हैं हरदोई का, जहां उत्तर प्रदेश सरकार गौशालाओं को लेकर बड़ी सख्त नजर आ रही है, वहीं गौशाला के ही जिम्मेदार सरकार को लगा रहे हैं लाखों का चूना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रमोद कुमार हरदोई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, हरदोई में गौशालाओं को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश सरकार की कमान जब से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हाथों में सौंपी गई, गौवंश स्थिति की सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया चाहे लाख जतन कर रहे, लेकिन जिम्मेदार पैसा प्रवेश करने वाले जिम्मेदार बेजुबानों के हक की डकारने में जुटे हुए। इसी प्रकार आँख कान खोलने वाला प्रकरण सामने आया है। प्रथम नवरात्रि के दिन शायद उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी घटना को भूल सके। गौशालाओं में लगभग कई गायों की मौत हो गई, लेकिन नवरात्र के प्रथम दिन 2 दर्जन से अधिक गायों की मौत हो गई। जिम्मेदार जेसीबी से गड्ढे को दबाने में कार्यक्रम शुरू कर दिया। गौवंश की मौत की सूचना की खबर मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश आ गया। इस घटना की जानकारी होते हुए बाबा मुनेश्वर दास अनशन पर बैठ गए। प्रमोद, आपने जिला अधिकारियों से अगर बात की हो इस मामले को लेकर, वो क्या कुछ कहते नजर आए इस भ्रष्टाचार को लेकर? जिला अधिकारी से नहीं बात हुई, हमारी उप जिला अधिकारी बिलग्राम से बात हुई, लेकिन उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि जांच चल रही है, जांच कर जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
जहां योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया था, वहीं कुशीनगर के पडरौना में योगी सरकार का यह दावा खोखला साबित हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए टीपू सुल्तान कुशीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। टीपू सुल्तान, उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया था योगी सरकार ने, वहीं पडरौना के रेलवे स्टेशन की दुर्दशा गड्ढे में तब्दील हो गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद काफ़ी लंबी चौड़ी वादा करके उन्होंने कहा था कि यूपी में विकास होगा, लेकिन आपको बता दूं सर कि उत्तर प्रदेश में इनके दावा साफ खोखला साबित हो रहा है। आपको बता दूं सर कि जनपद कुशीनगर के पडरौना रेलवे स्टेशन के बगल में एक बाईपास रोड है जो आज कई वर्षों से गड्ढा में तब्दील है। आपको बता दूं सर कि यहाँ पे इसी के बगल में ही उदित नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज है। इसके बाईपास रास्ते से एम्बुलेंस से लेकर के हज़ारों की संख्या में बच्चों को आना जाना रहता है सर, लेकिन इस पे किसी भी सरकार की एक भी नज़र नहीं है। सुल्तान, जिला प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस गड्ढे को लेकर? जी आपको बता दूं सर कि छात्र संघ के जो भी यहाँ पे युवा साथी थे वो कई मरतबा धरना पे बैठ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जिला अधिकारी से लेकर के चाहे जो भी प्रशासनिक अधिकारी है एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दूं सर कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अगर जमीनी हकीकत जाना जाए तो इनकी लंबी चौड़ी बात एकदम खोखला साबित हो रहा है। शुक्रिया सुल्तान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बात करते हैं मथुरा के, जहां पर खंड विकास अधिकारी ने गांव का निरीक्षण किया और लोगों के साथ बैठक कर गांव के विकास कार्यों को लेकर लोगों से बात की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नेम सिंह मथुरा से लाइव जुड़ चुके हैं। नेम सिंह, खंड विकास अधिकारी ने आज गाँव का विकास कार्यों को लेकर बैठक की, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, आज यहाँ पर गांव में खंड विकास अधिकारी फ्रे ने गांव का जायजा लिया है, जिसमें गांव ग्रामीणों की काफ़ी समस्याएं थी, जिसमें यानी कि सबसे मेन चीज़ थी तालाब को लेकर के और स्कूल को लेकर के, प्लस ग्रामीणों की समस्या थी शौचालय को लेकर के और नालियों को लेकर के, जिसमें उन्होंने आज गांव में यानी कि जो खुली बैठक करके गाँव का जायजा लिया है। नेम सिंह, विकास कार्यों को लेकर अगर आपने गाँव वालों से बात की हो तो वो उनका क्या कुछ कहना है? सर, ग्रामीणों का कहना है कि यानी कि ग्राम प्रधान पर आरोप लगे कि उसने शौचालय के लिए 1,000 रुपये लिए और उसमें ग्राम प्रधान पर 1,000 रुपये लेने का आरोप भी लगाया, प्लस गाँव वालों का कहना है कि गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे। इस बारे में हमने और भी ग्राम प्रधान से बात की तो उसने ये बताया कि जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं वो विपक्षी लगा रहे हैं, और इस विषय में जब हमने खंड विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने यह बताया कि इस बारे में जो अगर ग्राम प्रधान दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी और जो ग्राम में जो विकास कार्य हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर जल्दी से जल्दी सुधार किया जाएगा। जी शुक्रिया नेम सिंह तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, कुछ भी अपडेट होगा तो हम आपका फिर से रुख करें। खबरों में बात करते हैं बासी तहसील के, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ना ही खाने बनाने के लिए गैस चूल्हा है और यहाँ पर ना ही कोई रास्ता है, थोड़ी सी बरसात से ही जल भराव जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय तिवारी सिद्धार्थनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभय तिवारी, जहां योगी सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं सिद्धार्थनगर में, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी में, वहां पे एक आमा गांव है, मलौली का आमा गांव है, यहां ज़्यादातर प्राथमिक विद्यालयों की यही स्थिति है सर। और वहाँ आमा माफी में विद्यालय में टीचरें तो हमेशा आती हैं, मगर उन्हें दूसरे के घर पर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। वहाँ 110 बच्चे हैं प्रेजेंट टाइम में हैं, जबकि 90 बच्चे आते जाते रहते हैं सर। वहाँ उस विद्यालय की स्थिति ये है सर कि वहाँ जल जमाव, पूरी तरीके से जल जमाव है। जहाँ पे विद्यालय बना हुआ है वहाँ पे कोई भी सुलभ रास्ता आने जाने का नहीं, अगर है भी तो किसी दूसरे की जमीन से है सर। अभय तिवारी जी, आपने अगर अधिकारियों से बात की हो तो वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं इस पूरे मामले को लेकर? विषय पे हमने एबीएस से मिठवल पंकज मौर्य जी से बात की तो उन्होंने कहा हाँ ये समस्या संज्ञान में है हमारे और बहुत जल्द इसको हम वो करवाएंगे, कुछ ना कुछ करवाएंगे। शुक्रिया अभय तिवारी जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।